बीजेपी के भी कह रहे हैं कि अगर जीत कैंडिडेट कांग्रेस से आता है तो हम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए तैयार। नरवाल कैसे है, नरवाल के में माहौल क्या लग रहा है आपके पास? माहौल अजीत सिंह का अजीब की बात, क्यों लगेगी भाई ये विधायक बन जाएगी? देखो ये समाज सेवा करते हैं और सबके भले के लिए कार्य करते हैं, जो भले के लिए कार्य करे समाज उसके साथ होगा, जनता उसके साथ होगी। आज इस पैदल यात्रा में चलन लाग रहे हो जो ये जीत के लिए, के कुछ उम्मीद है कुछ भला करवा सके लोगों का? बिल्कुल करवा सके जी, भला समाज सेवा एक आदमी है, बढ़िया आदमी है, लोगों में गांव में हल्के में बहुत काम करता है। अच्छा, बच्चों का खेल कूद हो, कबड्डी हो और हो, ऐसे बहुत सहायता करता है। ये जो जीत के लिए चालन लाग रहे हो, क्यों चालन लाग रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? जीत भाई विकास करेगा, काम करेगा हरियाणा का। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपकी बात टिकट दे देगी? कांग्रेस पार्टी इसको टिकट मिलेगी जी, और एक तरफा इसकी जीत होगी नरवाल के। भाई सर विवेक ने उसके सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई हरियाणा में चुनावी बिछात जो है बिछड़ी शुरू हो गई है और उसकी तस्वीर हमने एक बार दिखा दूं। दरअसल नरवा हल्के की जो है ये तस्वीर आप देखने लग रहे हो, जरा आज आजाद नगर में जो है भाई जीत की तरफ है, कांग्रेसी नेता है और आज जो है शक्ति प्रदर्शन करा जाने लग रहा है, पैदल यात्रा करी जाने लग रही है और इस पैदल यात्रा में कितने लोग हैं वो जो है तो हम देखने लग रहे हो कि भाई कितनी भीड़ जो है उनके साथ में जुड़न लग रही है। बता दूं कि भाई नरवा हल्के के अंदर जो है कांग्रेस के बड़े दावेदार, मजबूत दावेदारों में जो है गिनती धीरे धीरे इनके शुमार होती जाने लग रही है और बिल्कुल थोड़े से टाइम पहले जो है चुनाव लड़न खातर जो है इन्होंने दाल ठोकी दी और इतने कम टाइम के अंदर जो है बड़ा अच्छा तरीके से जो है ग्राफ इनका बढ़ा है और वो तस्वीर काटते दिखाने लग रही हूँ। हिसार की ये तस्वीरें आजाद नगर की जो नरवा हल्के के अंदर आओ है और बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग जो है इनके साथ में फिलहाल पैदल चल रहे, आपने दिखेंगे भी कांग्रेस के झंडे लेके या फिर कांग्रेस के जो निशान है हाथ में लेके। दरअसल हिसाब मांगे कांग्रेस की जो यात्रा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो यात्रा चलाने लग रहे हैं, वाई जो है सेम यह यात्रा चलाई जाने लग रही है भाई जीत की तरफ से नरवा हल्के के अंदर। कुछ ही समय पहले चुनावी ताल ठोकी और इतनी जल्दी जो है चुनावी ताल ठोके अपना ग्राफ जो है बढ़ा लिया है। आज आजाद नगर की तस्वीर दिखाऊंगा, जाम एक बार दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके कि कितनी दूर तक, कितना लंबा ट्रैफिक जो है जाम है। थोड़ा सा और जूम कर दो, पीछे तक दिखा दो भाई कि कितना जबरदस्त तकड़ा लंबा जाम जो है हिसार के नरवा हल्के में आज फिलहाल लग रहे हैं। दरअसल आजाद नगर की तस्वीर है और भाई दूर तक जो है हमने ये तस्वीर दिखेंगे और दूर तक जो है या भीड़ इन लोगों की न्यू ही नजर आओगे। खैर भाई अब भीड़ तो धरती दिखा दी, चलो एक और भाई जीत तो भी बात कर लिया, पूछ लिया कि भाई कुछ ही टाइम पहले जो है चुनावी ताल ठोकी, एकदम तक ग्राफ भी बढ़ाया और एकदम से जो है चुनावी मैदान में आने की वजह के। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पैदल यात्रा करने लग रहे हो नरवा हल्के के अंदर, उम्मीद है कि अब की बार भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन ध्यान में रखा जाएगा टिकट वितरण के टाइम पे? हाँ बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा जी, टिकट प्रदर्शन ध्यान में तो रखेंगे भी कि कौन कैंडिडेट कितना काम करे, हल्के काम करने के लायक नहीं है तो सारी बात तो रखी जाएगी जी। बिल्कुल, चुनाव का टाइम है और लोग दो दो साल से तैयारी करने लग रहे हैं, ताल ठोकने लग रहे हैं। आपने कुछ ही महीना पहले, कुछ ही टाइम पहले ताल ठोकी, अचानक तक ग्राफ बढ़ाया, एकदम तो इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं अभी बहुत पीछे से लग रहे हैं जी, हम तो कांग्रेस के साथ बहुत पीछे से हैं, अब करने लग रहे हैं, तैयारियां करने लग रहे हैं। नरवा हल्के के हर किसी भाण भैया ने कहा भी आगे पढ़ो और तैयारी करो भाई साहब, अपन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का मजबूत आत्मजबूत करना है और उसके लिए अपना चुनावी मुद्दे क्या कुछ रहेंगे नरवा हल्के की, कौन सी समस्या है जिस पर काम करो? मेन तो पानी है, बिजली है जी, बालकों को पढ़ा रहे हैं, बालकों की शिक्षा के में भी है, खेल कूद में भी इनकी बहुत से है जो उनका काम करेंगे जी। जी जी, बहुत कई कुछ बड़े नेता है नरवा हल्के के अंदर, वो इन्हें कहो जी हमारी जागीर है, नरवा में टिकट हमारी गोज में है, उनने क्या कुछ कहना चाहोगे? ना कुछ नहीं, वो उनका है जी, जिनके भी कर देगा कमान साहब, जिनका हाथ में कोसों पर गमन के साथ है। ये जो है हम तस्वीर भी देखने लग रहे हो, फिलहाल जो है जड़े जिस तरीके से स्वागत जो है फूलमाला पहरा के रास्ते में नरवा हल्के के आजाद नगर के अंदर जो है फूलमाला पहरा के जो है स्वागत करा जाने लग रहा है। दरअसल चुनावी ताल जो है कुछ समय पहले ठोकी थी और क्योंकि समाज में अगर बात करो तो पिछले काफी समय से एक्टिव है और अब जो है
वो अगर बात करी जाए तो चुनावी ताल ठोक चुके हैं, आज आजाद नगर के अंदर या पैदल यात्रा। चलो कुछ और लोगों से बातचीत करना, जानना कि भाई के कुछ राय है इनके लेके आ रहे, के कुछ कहना चाहोगे भाई जीत खातर ये लोग। और साथ ही जो है जीत जी के जो बेटे हैं वो मेरे साथ में, रविंदर जी। जी मेरे को ये बताओ, हरियाणा के अंदर और खासतौर से नड़वे में अचानक एकदम तो इतना स्पीड से ग्राफ कुकर बढ़ने लग रहा है। देखो जी, मैं मलके का प्यार आया और जो पीछे काम किए हैं, निस्वार्थ काम किए हैं, उसका प्यार मिलन लग रहा है जी। हाँ जी, अभी अगर बात करा तो चुनावी क्योंकि दांव पे जारी है और विरोधी भी पुरजोर कोशिश करने लग रहे हैं टिकट हासिल करने की, तो क्या लगे कि उनके विरोधी कोई नहीं है जी? कांग्रेस पार्टी में कोई विरोधी नहीं है, सब अपने हैं, हम किसी को विरोधी नहीं मानते, सारे अपने हैं जी। अगर आज की बात कराएं और शक्ति प्रदर्शन जो है जिस तरीके से पैदल चल के और पूरा आजाद नगर नाप दिया आपने, इतनी गर्मी में वो भी अगर धूप की भी बात करें तो चिलचिलाती धूप जो है ऊपर तक लागण लग रही है, तो यो शक्ति प्रदर्शन टिकट बंटवारे के टाइम पे ध्यान रखेगी कांग्रेस? देखो जी, वो हाई कमान का काम है, अपना काम तो काम करना है और पार्टी के लिए काम करने लग रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और भी है जो आम जनता का रहेगी, भाई आज तक इतने साल से समाज सेवा में एक्टिव थे, अचानक यो क्यों हुआ कि एक ही दम से जो चुनावी ताल ठोक दी? मैम, चुनावी ताल ठोकने वाले हम कौन होते हैं जी? सरकार जो अपनी जो जनता है, हल्के की जो जनता है, हल्के ने आगे किया और हल्के ने नाम दिया जी। चलो, तो आज कितने लोग जो है आपके साथ में इस काफिले में जुड़े हैं? वो तो आप देख लो जी मैम। बिल्कुल लंबी कतार है, फिर भी कोई अंदाजा आपकी तरफ से? कोई अंदाज नहीं है। कौन सा हल्के से आप? यही नवाल। ये जीत को क्यों, ये जो भाई जीत के नाम से जो नाम लिखा हुआ है, क्यों इनको सपोर्ट करने लग रहे हो? पब्लिक कर रही है। अच्छा, कि मैं आगे थारा भला करवा पाऊंगे? कौन ही करेगा, बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा जी, नवाल के से नवाल के में माहौल क्या लगने लग रहा है आपकी बात? माहौल अजीत सिंह का है जी, की बार जीत सिंह का है। क्यों, कारण क्या है? अभी थोड़े दिन पहले तक चुनावी मैदान में भी कौन आए थे? नहीं आए हैं, ये बहुत कार्य काम करवाए जी। अच्छा, इसने बहुत काम करे, हर गांव के अंदर काम करवाए इसने, अजीत सिंह ने। व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार, एक नंबर का व्यवहार है जी जी। सीधा पता किसान, किसान के हित में लड़ने वाला है। अच्छा, हाँ जी। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके पास टिकट देगी? कांग्रेस पार्टी इसको टिकट मिलेगी जी, और एक तरफा इसकी जीत होगी नड़वा हल्के से। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा हल्के से हो? आर्य नगर से जी। आर्य नगर से हो? ये जो भाई जीत की गाड़ी के आगे चलने लग रहे हो, क्यों लगेगी भाई ये विधायक बन जाएगी? देखो, ये समाज सेवा करते हैं और सबके भले के लिए कार्य करते हैं। जो भले के लिए कार्य करे, समाज उसके साथ होगा, जनता उसके साथ होगी। तो ये सबके भले के लिए कार्य करते हैं, जनता इनके साथ इसलिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जी कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेता बहुत हैं, ये लोगों को कल मैदान में आए हैं तो इनका तो नंबर बहुत भारी पड़ेगा। देखो जी, ये तो बहुत दिन से आके आ रहे हैं जी, तो ये 10 साल से कर रहे हैं समाज सेवा, तो ये 10-15 साल से कर रहे हैं जी। बट ये है कि अब राजनीति में अब आए हैं, खुद नहीं आना चाहते थे, जनता ने इनको खड़ा करा है कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो, आप एक अच्छे समाज सेवक हो, जनता के भला करते हो, अब लोगों का दुख सुख समझते हो, तो सबने मिलके खड़ा किया। युवा नेता जी, आप खुद से युवा नेता है, आप खुद देखो जनता कितना प्यार है साथ, जनता खुद चाह रही है कि खड़े हो आप। भाई कुछ ये और लोगों के लिए जो है इस मौके पे बातचीत भी कर ले, जो पब्लिक जो साथ चलने लग रही है। हाँ जी, कौन से हल्के से हो? जीत सिंह। नड़वा हल्के से आज इस पैदल यात्रा में चलने लग रहे हो जो ये जीत के लिए, के कुछ उम्मीद है, कुछ भला करवा सके लोगों का? बिल्कुल करवा सके जी भला। क्यों, कारण के है इसका भाई? के छवि के है इनकी छवि, बहुत साफ सुथरी, बहुत बढ़िया छवि के आदमी है। बहुत काम किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के अंदर, बहुत अच्छा किया। आपकी बार फिर से उम्मीद है करने की? हैं जी, आपकी बार फिर से उम्मीद है? हाँ, काफी उम्मीद है, बहुत अच्छा करेंगे और आगे करते रहेंगे, 70 सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है गरीबों के लिए। समाज से एक आदमी है, बढ़िया आदमी है, लोगों में, गांव में, हल्के में बहुत काम करता है। अच्छा, बच्चों का खेल कूद हो, कबड्डी हो और हो, ऐसे बहुत सहायता करता है जी। ऐसा तो नहीं है कदर राजनीति का टाइम पर करने लगे हो? ना जी, शुरू से ही ये विधायक इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले भी उन्होंने बहुत समाज सेवा काम किया है। अच्छा,
बहुत ज्यादा समाज सेवा काम की है। तो भाई ये जो है हम देख लो कि बहुत सारे लोग जो है साथ में चलने लग रहे हैं। कौन से हल्के से हो? नलवा हल्के से। नलवा हल्के से हो? हाँ। ये जो जीत के लिए चलने लग रहे हो, क्यों चलने लग रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? जीत भाई विकास करेगा, काम करेगा हरियाणा का। अच्छा। और नलवा हल्के का काम करेगा, उम्मीद है पक्की की करेगा। पक्की से 95% जीता जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। साफ सुथरा चेहरा या है नहीं नलवाल के अंदर, ईमानदार, मेहनती, मिलनसार। लोगों ने इसको आके लाए, राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं था। लोगों ने कहा कि इतने मिलनसार है, इतने सब सारे के सारे बीजेपी के भी कह रहे हैं कि अगर जीत कैंडिडेट कांग्रेस से आता है तो हम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आने के लिए तैयार। अच्छा। जीत के लिए, सिर्फ जीत के लिए। ऐसा चेहरा, साफ सुथरा चेहरा है, कांग्रेस मैदान में उतार दे तो ये बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता उनके सामने जीतेंगे। मैं कहूँ बीजेपी के जो लोग हैं, वर्कर हैं, वो कह रहे हैं कि जीत आप आके बैठो, कैसे टिकट ले, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत की जीत पक्की मान रहे हैं? जीत पक्की मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं। हाँ जी, जीता पक्की है, जीत पक्की है, जीत पक्की है। हाँ जी, हाँ जी, जीत की जीत पक्की है। हाँ, जीत की जीत पक्की है। घर से लेकर के आए, हाँ, जीतू सिंह ने जिताएंगे। अच्छा। जरूर जिताएंगे हम। तो पूरा हौसला करके, पूरा डिठोरा करके चलेंगे। किसी छवि किसी के इनकी उनकी सबकी जीत है जी। किसा किसा का आदमी है भाई, समाज में बड़ी आदमी है जी। रामजलाल जी थे नहीं, उनसे भी बढ़ के है। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया है। गांव का बहुत सुविधा कर रहे हैं, बिना जीते भी बहुत कर रहे हैं। मैं जी देखने आए हैं, हाँ, गर्मी में निकल के आए हैं, कुछ कीमती क्या हाजिर है आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो गर्मी कितनी तेज है, चिंचिला की धूप जो है तो हमने मुंह पे दुखन भी लग रही होगी, और इतनी गर्मी के अंदर और वो भी इतना लंबा रोड शो वाकई जो है मायने रखे है। और क्योंकि अभी सियासी दिन जो है, जो मेन जो दिन है वो थोड़े दूर है, अभी चुनाव के अंदर जो है 2-2.5 महीना का टाइम है, लेकिन उससे पहले जो है इतनी भीड़ और इस तरीके का रोड शो कितने कितने राजनीति में ये बताने खातिर जो है काफी है कि भाई अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं राजनीति के अंदर जो बड़े बड़े चेहरे ने अभी पटकनी देश गए हैं। और ऐसा ही एक नाम जो है बड़न की दौड़ में है, ये जीत जी का नाम जो है नलवा हल्के सामने है, और आज भारी भीड़ लेके सड़का में निकले हैं, आजाद नगर के अंदर, नलवा हल्के के अंदर निकले हैं। फिर इबियाना टेम बताओगा कि भाई जो है कांग्रेस पार्टी इन पे कितना विश्वास जता हुआ है, इन्हें कितना मौका दे हुए है। वैसे नलवा हल्के लेके आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। राम राम।